दोस्तों, मैं अनिल सहनी और स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर। आज मैं आपके लिए फिर एक नया वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आज आपको बताने वाला हूं कि काउल क्या होता है, कि काउल कहां यूज़ किया जाता है और ये किस किस टाइप का होता है। तो देखिए दोस्तों, आप देख रहे होंगे स्टार्टिंग में, ये जो आप देख रहे हैं ये फ्लैट टाइप का दे रखा है, ये फ्लैट टाइप का है, इसको काउल कहा जाता है। और ये ऊपर से जो है खुला होता है। ये कहाँ पर यूज़ किया जाता है? इसको हम मेनली जो यूज़ करते हैं वो प्लम्बर, जो अपने इसको एयर शाफ्ट बोला जाता है, जो प्लम्बर इसको एयर शाफ्ट के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। और ये जो है मेनली हम इसको सबसे ज़्यादा जो यूज़ करते हैं, जैसे हमारा सेप्टिक टैंक होता है, सेप्टिक टैंक में से जो एयर शाफ्ट निकली होती है उसके ऊपर यूज़ किया जाता है। जिससे क्या होता है, जो भी हमारे टैंक से एयर निकलती है वो इस काउल के थ्रू आसानी से बाहर निकल जाती है। एक तो ये फ्लैट टाइप का मैंने आपको दिखाया था, और एक है ये इस टाइप का, थोड़ा सा टेपर्ड होता है ऊपर से, और ये साइड से खुला होता है। इस वाले में भी क्या होता है, ये भी सेम वही पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें भी क्या होता है कि एयर को बाहर निकालने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। और मेनली पर्पज़ तो यही होता है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम जो टैंक होते हैं, जो सेप्टिक टैंक होते हैं, उनके ऊपर इस एयर को बाहर निकालने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, जिससे कि हमारे जो सेप्टिक टैंक है उसके अंदर एयर का प्रेशर ज़्यादा जनरेट ना हो और हमारे जो टैंक होता है उसका लेंटर या स्लैब जो है वो क्रैक ना हो। हम इनका यूज़ जो है दूसरी जगह पर भी कर सकते हैं, लेकिन पर्पज़ तो यही है कि एयर को बाहर निकालना होता है। लेकिन मेनली जो है अभी फ़िलहाल में आप जहाँ भी देखते होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपने यही देखा होगा, जो सेप्टिक टैंक जहाँ भी बने होते हैं वहाँ पर ही इन काउल को यूज़ किया जाता है। और आज आपको इसके बारे में मैंने जानकारी दी। ये जानकारी कैसी लगी, आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको काउल की जानकारी पहले से थी या नहीं थी। थैंक यू दोस्तों।